सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं प्रभात कौशिक आज फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी होगी वो रेशियो की तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपने देख ही लिया होगा बोर्ड पर कि आज की जो क्लास होगी हमारी, आज का जो सेशन होगा वो हमारे क्वेश्चनों का सेशन होगा, यानी कि प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में हमने दोस्तों, पहली वीडियो में हमने रेशो का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने पूरा अच्छे से समझ लिया, दूसरी वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो रेशो को मर्ज कैसे किया जाता है वो समझा था, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वे सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक के साथ, जो काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी 6:11, तो ए अनुपात बी 5:7 दिया हुआ है और बी अनुपात सी 6:11 दिया हुआ है, तो आपसे वो रेशियो को मर्ज कराना चाहता है, यानी कि ए बी सी का रेशियो निकालना चाहता है, ठीक है। और रेशियो को मर्ज करने के मैंने आपको तीन तरीके बताए, एक कॉन्सेप्ट था और दो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है। देखिए तो यहां पर जो कॉमन रेशियो है दोस्तों, यहां पर बी है और b की वैल्यू कितनी है यहां पे दोस्तों, 7 है, जबकि यहां पे b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू यहां पे कितनी है, 6 है। इसका मतलब कॉमन रेशियो तो यहां पे इक्वल है ही नहीं। अगर कॉमन रेशियो इक्वल हो जाता तो हम दोस्तों डायरेक्ट कर पाते सवाल को, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सब कुछ। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a अनुपात b 5:7, 5:7, ठीक है, और b अनुपात सी 6:11, चाहो तो आप इसको कंसेप्चुअली चीजों को कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो कंसेप्ट से, यानी कि रेशो को, कॉमन रेशो को इक्वल बना के, या फिर चाहो आप इसमें क्या कर सकते हो भाई, इसमें कर सकते हो आप बाय ट्रिक, यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि a अनुपात b अनुपात सी का रेशो मर्ज हो जाए, तो आपको मैंने बताया था 6×5=30, ए की वैल्यू निकालनी है तो 5×30 यानी कि ए की वैल्यू 30 आई, अगर बी की वैल्यू निकालनी है ये क्रॉस में है तो 6×7=42, तो ये किसकी वैल्यू आई, ये बी की वैल्यू आई, अगर सी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 17×7=119, यानी कि ये किसकी वैल्यू आई, 119 ये सी की वैल्यू आई। यहां तक आप समझ पाए होंगे। अच्छा 6:11 है, एक सेकेंड, ये कितना है 6:11, ये था भाई 6:11, ठीक है, वो 17 लिख देता गलती से, तो इस गलती को हम सुधार लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो रेशियो बना वो 11×7=77 बना, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई आप 11 में कर दोगे, तो जो रेशियो हुआ मर्ज करने के बाद वो कितना है, 30:42:77, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है ना दोस्तों। एक तरीका तो आपके पास ये है ही, रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है। एक तरीका और हो सकता है दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, आप रेशो को मर्ज करने से पहले ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। वो कैसे भाई, आप ये बात जानते हो कि ए अनुपात बी 5:7 का रेशो होगा, तो यानी कि ए और बी में 5:7 का रेशो बनना चाहिए, 6×5=30, 6×7=42, इसमें 5:7 का रेशो है, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं 7×5=35, 7×7=49, इसमें भी 5:7 का रेशो है, यहां पर देख लेते हैं 11×5=55, 11×7=77, तो तीनों ही ऑप्शन में ए और बी के बीच 5:7 का रेशो मौजूद है। तो अब मैं चेक कर लूंगा कि बी और सी का रेशो 6:11 बनना चाहिए, तो 6:11 अगर ये 6:11 बनना है तो 11 से वो 7 से डिवाइड कर दो, 7×42, 7 से काट दोगे 11, तो दोस्तों इसमें 6 और 11 का रेशियो मौजूद है और इसमें 5:7 का रेशियो मौजूद था, तो इसका मतलब आंसर तो हमारा ए ऑप्शन हो चुका, क्योंकि ए बी का रेशियो 5:7 है और बी सी का रेशियो कितना है, 6:11 है, तो इसी में ऑप्शन में 6:11 का है। इसमें भी चेक कर सकते हो आप, ये बताओ यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, 6, लेकिन ये 6 जो है ये 11/7 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात यहां पे, ठीक है।
यहां पे आप देख रहे होंगे कि b की वैल्यू यहां 7 है और b की वैल्यू यहां पे 6 है, यानी कि ये जो b वाला ऑप्शन होगा ये जो होगा ये 7 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए। तो 49 यार 7 से तो कट रहा है लेकिन 6 से नहीं कटता, इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये दोनों ही रेशियो सेटिस्फाई करते हैं ए ऑप्शन को, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर तो हमारा ए होगा, यानी कि डी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। क्लियर हुई बात यहां तक? चाहे तो आप इस तरीके से रेशियो मर्ज करें या फिर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर हुई बात? दोनों ही तरीके बेस्ट है, हमें स्पीड से काम करना होता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट करोगे या फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिखा है, लिखा गया है कि P अनुपात Q 3:4 के अनुपात में है और Q अनुपात R 8:9 के अनुपात में है। तो आपसे वो क्या जानना चाहता है, वो आपसे P अनुपात R जानना चाहता है, यानी कि P अनुपात Q क्या दिया हुआ है दोस्तों, P अनुपात Q 3:4 दिया हुआ है। क्लियर हुई बात? और Q अनुपात R क्या दिया हुआ है, Q अनुपात R क्या दिया हुआ है, Q अनुपात R की जो वैल्यू है वो 8:9 है, 8:9। और आपसे वो जानना क्या चाहता है, आपसे वो केवल और केवल P अनुपात R जानना चाहता है कि P का R के साथ क्या रेशियो होगा, P का R के साथ क्या रेशियो होगा। तो आप मुझे ये बताइए, अगर केवल और केवल वो P और R के साथ रेशियो जानना चाहता है, तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन रेशियो कट जाता है, ठीक है ना। तो Q से Q कट जाएगा, ठीक है ना, Q से Q का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4 से काट दोगे आप 4 × 2 = 8, 3 से काट दोगे 3 × 3 = 9, तो जो रेशियो बनेगा दोस्तों वो P का R के साथ 2:3 बनेगा। कितना बनेगा, 2:3, जो कि डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो ये चीजें आपको बहुत ही आसान लगने वाली है, ठीक है ना। बहुत जीरो से शुरू करना चाहता था मैं और जीरो से ही शुरू किया हुआ है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन चीजों को पहले से पढ़ चुके, लेकिन बहुत सारे बच्चे दोस्त ऐसे भी तो है ना जो पहली बार ही कंपटीशन के क्षेत्र में कदम रखे हुए हैं, उनको भी तो सिखाना है, तो इसलिए बहुत जीरो से चीजों को लेके आया हूं मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए अनुपात बी 7:6 है, बी अनुपात सी 5:9 है, तो एबीसी को मर्ज कीजिए, यानी कि ए बी और सी का रेशियो बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है ना, कि ए अनुपात बी कितना दे दिया भाई, ए अनुपात बी दिया हुआ है यहां पे 7:6, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है भाई, बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:9, 5:9। क्लियर हुई बात? तो ए बी सी का मान बताइए क्या होगा, तो ए बी सी का मान बताइए, यानी कि ए बी सी को मर्ज करना है दोस्त, और मर्ज करना मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 2 में सिखा दिया, ठीक है, पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था। तो 7×5 = 35, तो यानी कि ए की वैल्यू होगी 35 यूनिट, ए की वैल्यू क्या होगी 35 यूनिट, इसका मतलब बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पे तो 55 दिया हुआ है कि नहीं, चलो देखते हैं खैर, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या होगी, 6×5 = 30, यानी कि बी की वैल्यू होगी 30, यानी कि 30 इसी में मौजूद है, यहां 35 था, यानी कि सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी, 9×54, 9×54, यानी कि जो कि आंसर आपका क्या बनेगा, ए ऑप्शन, ठीक है। बहुत आसान तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है ताकि चीजें आपको बहुत आसान लगे। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। आप चाहो तो 7:6 का रेशियो देख सकते हो भाई, 6×77 तो नहीं कटता, कट तो नहीं रहा ना, क्योंकि b जो है यहां पे कितना है 6 और यहां पे b कितना है 77, इसका मतलब 6 का मल्टीपल ये है ही नहीं, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, ना ही यहां पे 49 6 का मल्टीपल है, इसका मतलब c ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे होंगे a की वैल्यू यहां पे 7 यूनिट थी, तो 7 का मल्टीपल है 35, b की वैल्यू यहां 6 है और b की वैल्यू यहां
पांच है, तो b की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 5, यानी कि b की वैल्यू 6 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, दोनों से कटती है 30, इसका मतलब ये हो सकता है। और यहां पे आप देख रहे होंगे कि c की जो वैल्यू है यहां पे 9, तो c की वैल्यू यहां पे 9 आई, यानी कि 9 का मल्टीपल 54 है, एक ही ऑप्शन ऐसा मौजूद था। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो मेरे भाई, क्लियर हुई बात। आपको सारे रास्ते में बता के चल रहा हूं ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी गलती ना कर पाओ, गलती करने का कोई मौका ही ना मिले, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक बोर्ड पर, है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4, 3a बराबर 4b बराबर 5c, ये चीज दी हुई है और ये चीज मैं पहले ही पहली वीडियो में बता चुका हूं रेशियो की, कि एबीसी का रेशियो कैसे निकलेगा यहां पे, ठीक है। तो मैंने आपको तीन तरीके बताए थे दोस्त, जब भी तीन चीजें इस तरीके से आपस में बराबर बराबर में हो तो आप कंसेप्ट से कर सकते हो क्वेश्चन को। आप दो तरीके और बताए थे इसके अलावा, तो आपसे मैं केवल एक ही तरीका बताना चाहूंगा क्योंकि वो पिछली वीडियो में बता चुका। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए का रेशियो निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसी को क्या कर दीजिए, छुपा दीजिए। तो बी का कोफिशियंट और सी के कोफिशियंट की मल्टीप्लाई करोगे, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 20 होगा, तो 20 ए की ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा तुम्हें ए, तो आंसर तो यही बनेगा मेरे ख्याल से, समझ चुके होंगे आप, ठीक है। अगर आप b की वैल्यू निकालना चाहते हो तो b को छुपाइए, 5 थी 15, तो 15 यहां पे मौजूद है, बिल्कुल है। अगर c की वैल्यू निकालना चाहते हो तो c को छुपा दीजिए, 4 थी 12, तो यहां पे 12 भी मौजूद है, तो आंसर तो ए ही ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन तो देखते ही, तीन ऑप्शन तो आपने देखते ही काट दिए, है कि नहीं भाई, इतना ही काम कर रहा था। अगर ए की वैल्यू निकालना है 5 × 20 कर दो, 20 एक ही ऑप्शन में मौजूद था, तो आंसर यही होगा। ऐसे पूरा भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप, क्लियर हुई बात। जो चीज मैं समझाना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर पांच देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है समझने का प्रयास करते हैं। ये भी सेम है भाई, ये भी तो सेम है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अगर आप a की वैल्यू चाहते हो तो a वाला पोर्शन छुपा लीजिए, 4 थी 12, तो a की वैल्यू कितनी आई भाई, 12 यूनिट। अगर आप ये चाहते हो कि b की वैल्यू निकल जाए तो b वाला पोर्शन छुपाओगे, 4 × 8, तो कितना होगा b की वैल्यू, 8 यूनिट। अगर आप ये चाहते हो कि c की वैल्यू निकल जाए तो c वाला पोर्शन छुपा लो, 3 × 6, तो कितना आ गया, 6। तो 12 8 6 को जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो किससे सिंप्लीफाई हो सकता है भाई, 2 से, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6, तो आंसर क्या बनेगा, 6:4:3, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। आसान आसान से क्वेश्चन में लेके आया हूं पहली वीडियो में, और इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको काफी मजा आने वाला है। मुझे ये लगता है कि आप जो चीज नहीं समझ पा रहे थे वो इन चीजों को देखकर, इन चीजों को समझकर आप अच्छे से समझ पाए होंगे जो आप गलती करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर छह समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 2/3a बराबर 5/7b बराबर 6/11c, तो एबीसी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एबीसी का रेशियो निकालना है, ये चीज आपको क्वेश्चन में दी गई, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है, किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा प्रीवियस एग्जाम, प्रीवियस क्वेश्चनों पे ही काम करना है, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, थोड़ा बहुत डाटा चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्त कंसेप्ट तो चेंज नहीं होगा ना। तो एक बार आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो उसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी का कभी भी सामना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन, कितना भी घुमा के देते एग्जामिनर, कितना भी खेल जाए क्वेश्चनों के शब्दों के साथ, लेकिन आपको नहीं घुमा सकता वो फिर, ठीक है ना। यानी कि सब चीज, सारा खेल कंसेप्ट का है, सारा खेल किसका है दोस्तों, कंसेप्ट का है, क्लियर होगी बात। जहां पे ट्रिक यूज होगी मैं बताऊंगा कि यहां पे आप ट्रिक यूज करना, जहां पे कंसेप्ट का यूज होगा तो वहां पे कंसेप्ट का ही यूज करना है, क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछली वीडियो में
कि जब भी इस टाइप की कोई चीज दी जाए, जब भी इस टाइप की कोई चीज दी जाए, रेशो को मर्ज करने के अनेक तरीके हैं। मैं तुम्हें 5 से 6 तरीके तो अभी बता सकता हूं, लेकिन हमें वे 5 तरीके बिल्कुल नहीं बताने, ना हमें कभी करने। हमें केवल और केवल बेस्ट अप्रोच पे चलना होता है। क्लियर हुई बात? क्योंकि जो चीज जिस रास्ते से हमें जाना ही नहीं है, तो उस रास्ते को जान के करना क्या है। हमें केवल वो रास्ता चाहिए जो हमारी मंजिल तक आसानी से पहुंचा सके। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो 2/3 है, 5/7 भी, वो 5/7 भी 6/11 सी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस फॉर्म में आपको कुछ चीज दिखाई दे तो कोफिशियंट पे फोकस करना। किस पर? कोफिशियंट पर फोकस करना है कि यहां पे कोफिशियंट, ए का कोफिशियंट दोस्तों 2 है, यहां पे बी का कोफिशियंट दोस्तों 5 है, और यहां पे सी का जो कोफिशियंट है दोस्तों यहां पे 6 है। केवल मैं ऊपर अंश की बात कर रहा हूं, क्योंकि ए का जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट तो पूरा 2/3 होगा, लेकिन मैं केवल और केवल अंश पे 1 बनाना चाहूंगा, कि जो अंश पे यहां पे 2 लिखा हुआ है इसको 1 बनाने का प्रयास करना है। यहां पे बी के साथ अंश में जो 5 लिखा हुआ है इसको मुझे 1 बनाना है, यहां पे जो 6 लिखा हुआ है दोस्तों इसको मुझे 1 बनाना है। सारा का सारा काम हमें ये काम करना है, पूरे मतलब अंश में हमें 1 बनाना है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो 1 बनाने के लिए मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर्स अंश में दिखाई दे रहे होंगे उन्हीं का आपको एलसीएम लेना है। तो 6, 5 का एलसीएम 30, 30 2 से भी कटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका 2 का 5 का 6 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। तो 30 के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो पूरे के पूरी बात को, पूरे के पूरे रेशियो को। जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1/30 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप ये देख रहे होंगे कि वो जो 30 होगा वो 2 से कटेगा 15 बार, तो 15 * 3 = 45। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी, a के बटे में कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। a के बटे में कितना होगा, 45, और मुझे एक ही ऑप्शन में दिखता है आंसर, तो b ऑप्शन होगा। बस इतना काम करना है, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2, 5, 6 को मुझे 1 बनाना है। मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि 2, 5, 6 1 बन जाए, और 1 तभी बनेगा जब 2, 5, 6 का एलसीएम 30 होगा, और 30 के रिवर्स से यानी कि 1/30 से इस पूरी बात को आप मल्टीप्लाई करोगे। जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के साथ 30 दिखाई देगा, और 30 2 से 15 बार कटेगा, तो 15 * 3 = 45, तो 1/45 बनेगा। कितना बनेगा, 1/45 बनेगा। क्लियर हुई बात? ठीक इसी तरीके से जब आप 30 की मल्टीप्लाई 7 में कर रहे होंगे तो 5 * 6 = 42, तो 2/42 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, 2/42 बनेगा। ठीक इसी तरीके से जब आप 30 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो 6 से 30 5 बार कटेगा, और 5 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो 11 * 5 = 55, तो 2/55, तो ये चीज निकल के आएगी आपके सामने। तो क्या यहां पे ए बी सी का अंश में कोफिशियंट मैंने 1 बना दिया? आप कहोगे सर बिल्कुल, और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका कि अगर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन कोई लिखा हुआ है तो यार दोस्त बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है, बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है। इसका मतलब ए बी सी का जो रेशियो बनेगा वो 45:42:55 बनेगा, और एग्जाम में दोस्त इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आपको तो 45 बनते ही समझ जाना था कि आपका आंसर ना तो ये होगा ना ये होगा, बी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप वहां पे प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, आपको केवल और केवल सवाल देखते ही आंसर पर जाना है, रास्ता चाहे कोई भी हो, केवल आंसर पे जाना होता है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं समझता हूं कि ये चीज आप समझ चुके होंगे, अगर आपने पिछले वीडियो भी अच्छे से समझी होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई, है क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे तो आपने इस क्वेश्चन को बना दिया होगा अब तक, है भाई। चलो मैं तुम्हें वक्त दे देता हूं 30 सेकंड का कम से कम, ठीक है ना, बनाओ। सेम अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम उसी अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को करना है। जो पी के अंश में 3 लिखा हुआ है ना, इसको ही क्या करना है, 1 बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अंश में 7 लिखा हुआ है, इसी को 7 बनाने की कोशिश करनी है, ठीक, सॉरी 1 बनाने की कोशिश करनी है। आर के जो अंश में 4 लिखा हुआ है, इसी को क्या करना है, 1 बनाने की कोशिश करनी है। और आप ये देख रहे होंगे कि 3, 7 और 4 ये तीनों ही संख्याएं ऐसी है जिनके
जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब सिवाय एक को छोड़कर इनके इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिनमें कॉमन एक होता है इसका मतलब वो कहलाता है को प्राइम नंबर्स, यानी कि सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा कि इनका जो एलसीएम होगा दोस्त वो 3 × 7 × 4 होगा, कितना होगा 3 × 7 × 4 होगा, ये एलसीएम होगा। इसका मतलब इस एलसीएम के रिवर्स से आप पूरी बात में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3 × 7 × 4 से जब आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये देख रहे होंगे कि इस 3 से ये 3 कटेगा तो बचेगा क्या, 7 × 4 = 28, 28 × 5 करोगे तो 140 होगा। तो देखते ही आंसर मारना है कि 140 आपको केवल बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आंसर तो दोस्त बी वाला है। क्लियर हुई बात यहां तक? इतना काम करना है केवल आपको, कोई ज्यादा पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी को दिखाना नहीं है कि भाई मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और मेरा आंसर मैच हो चुका, मैच नहीं करना होता, केवल और केवल स्मार्ट वर्क करना होता है, हार्ड वर्क नहीं करना होता, गधे की तरह काम नहीं करना होता, समझे बात को है भाई। चलिए, तो इतना काम करना था केवल आपको, जैसे ही आप 3 × 7 × 4 की मल्टीप्लाई करोगे बटे में, यानी कि अपोन में, तो अपोन में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से 7 कटेगा, 4 × 3 = 12, 12 निम्मा कितना होगा 108, ये रहा 108, ठीक है। जैसे ही अब 3 × 7 = 4 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 7 × 21 = 21, 5 = 105, ये रहा 105। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। मैं इससे ज्यादा इस टुच्चे से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करने वाला, आप समझ चुके होंगे कि करना कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का प्रयास करें भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि 2a = 3b, 4b = 5c, तो a अनुपात c का मान क्या होगा, a अनुपात c का मान क्या होगा। तो मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं, पहली जो क्लास थी रेशो की उसमें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होता है तो मैंने आपको कहा था डायरेक्ट अगर आपको a रेशो b बनाना है तो a की वैल्यू सामने की होगी, उसके बराबर में जो लिखी होती है वो वैल्यू उसकी नहीं होगी, है भाई वो वैल्यू उसकी नहीं होगी। तो a की वैल्यू दोस्त 3 होगी और b की वैल्यू दोस्त 2 होगी, तो इसका मतलब रेशियो जो बनेगा वो 3:2 बनेगा, कितना बनेगा 3:2 बनेगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे निकालना है b अनुपात c, क्या निकालना है b अनुपात c, तो b अनुपात c की जो वैल्यू होगी, b अनुपात c का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, समझिए b की वैल्यू दोस्त क्या होगी 5 होगी और c की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, तो b की वैल्यू 5 यानी कि सामने की वैल्यू खुद की वैल्यू, तो 5:4 5:4। तो अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, है भाई क्वेश्चन में तो आपसे कुछ और जानना चाहता है, क्वेश्चन में जानना क्या चाहता है वो समझिए, क्वेश्चन में जानना चाहता है a अनुपात c, यानी केवल और केवल आपसे वो a का c के साथ रेशियो जानना चाहता है कि a का c के साथ रेशियो क्या होगा। और ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका कि जब डायरेक्ट a और c का रेशियो जानना चाहता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कॉमन रेशियो कट जाता है, और जब कॉमन रेशियो कटेगा दोस्त तो बचेगा क्या a अनुपात c बचेगा, तो 5 × 3 = 15, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, a की वैल्यू निकालनी है तो 5 × 3 = 15, क्योंकि यहां ऐसे तो कट ही नहीं पा रहा कुछ भी, है ना, तो 5 × 3 = 15 और 4 × 2 = 8, यानी कि जो आंसर बनेगा वो a अनुपात c का 15:8 बनेगा, जो कि c ऑप्शन है, जो कि हमारा c ऑप्शन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम अग्रसर होते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से और कम शब्दों में मैं समझाने का प्रयास किया, कम समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है समझिए भाई। ये दिया हुआ है कि a बराबर b/3 और b/c/2, तो आपसे जानना ही चाहता है कि a b c का अनुपात क्या होगा। तो क्या दोस्त मैंने आपको ये नहीं बताया कि बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है, है भाई बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है, कि बी के वैल्यू यहाँ पे 3 होगी और ए के बटे में कुछ है ही नहीं, तो ए के बटे में मैं 1 नहीं मान सकता। आप कहोगे सर बिल्कुल मान सकते हो, है भाई बी के बटे में मैं 1 नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकते हो। तो क्या मैं यहां से ए अनुपात बी
ए अनुपात बी इस तरीके से नहीं लिख सकता कि एक अनुपात तीन, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना, और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी क्या होगा, वो क्या होगा एक अनुपात दो, कितना होगा एक अनुपात दो, कि यहां पे बी की वैल्यू एक यूनिट और सी की वैल्यू दो यूनिट, बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू, अपॉन की वैल्यू खुद की वैल्यू, क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। तो आपसे वो जानना क्या चाहता है, आपसे वो जानना चाहता है ए रेशो बी और रेशो सी, और ये चीज आप भली भांति समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमें रेशो को मर्ज करना होता है। अगर एक ही वैल्यू चाहता है दोस्त, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है भाई, अगर एक ही वैल्यू चाहता है तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से एक ही वैल्यू, तो एक गुणा एक कितना एक, अगर बी की वैल्यू चाहते हैं तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक गुणा तीन यानी कि तीन, अगर सी की वैल्यू चाहते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तीन दुनी छह, यानी कि रेशियो दोस्त बनकर क्या आया, रेशियो मर्ज होने के बाद क्या आया, वो एक अनुपात तीन अनुपात छह, जो कि ए ऑप्शन है हमारा, क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको, ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 समझिए भाई, बहुत जल्दी से हमने 10 क्वेश्चन बनाए, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को कर पाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और जिसने भी ये वीडियो देख ली तो दोबारा देखने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता होगी, बहुत जीरो लेवल से मैं चीजों को कंसेप्चुअली बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, यदि सी का 0.6 बराबर है बी का 75% बराबर है ए का 1/3, ए का 1/3, तो ए बी सी का मान क्या होगा, तो आप मुझे ये बताइए सी का 0.6 को मैं 6/10 नहीं लिख सकता क्या, है भाई 6/10 यानी कि सी का 6/10 पॉइंट हटाओगे तो बटे में 10 आओगा, और 6/10 को जब मैं सिंपलीफाई करूंगा तो 2 3 6 और 2 5 10, तो इसका मतलब सी का 3/5 होगा, भाई 2 3 6 2 5 10 सी का 3/5 होगा। यार ये बताओ 75% होता कितना, यार 75% का मतलब 75/100 यानी कि 25 3 75 2500 का 100, तो 75% का मतलब 3/4 यानी कि 3/4, तो बी का 3/4, बी का कितना है भाई, बी का कितना 3/4, 3/4 किसका, बी का, और यहां पे क्या दिया हुआ है ए का 1/3, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा यानी कि 1/3 ए, ये दिया हुआ है, ये तीनों की तीनों बातें आपस में बराबर है, ये तीनों की तीनों बातें आपस में क्या है यहां पे बराबर है, तो आपसे ये जानना चाहता है कि एबीसी का रेशियो क्या होगा, एबीसी का रेशियो क्या होगा। तो समझिए दोस्त क्या करना क्या है, जैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए वैसे वैसे ही काम करना है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आपसे वो एबीसी का रेशियो जानना चाहता है, तो एबीसी का रेशियो निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो मैं ये चाहूंगा एबीसी का रेशियो निकालना है तो मैं ये चाहूंगा कि जो ए के अंश में और बी के अंश में और सी के अंश में लिखा हुआ है उनको एक बनाने का प्रयास करें, जो बेस्ट अप्रोच होगी, क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि तीन, इस तीन और इस एक को मुझे एक बनाना है, तो इसका मतलब अंश का जो एलसीएम होगा वो दोस्त तीन ही होगा, अगर अंश का एलसीएम तीन होगा तो आपको इस तीन का रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देनी है पूरी रेशियो में, अगर आप रिवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ये ए का तो यहाँ पे क्या है ऑलरेडी यहाँ पे है भाई, ए का तो अंश यहाँ पे ऑलरेडी एक ही था ना, तो जब आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9, तो ए की जो वैल्यू होगी 1/9 आ जाएगा, और 1/9 का मतलब क्या होगा, 1/9 का मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू 9 होगी, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 9, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ना तो सी ऑप्शन में 9 दिख रहा है ना डी ऑप्शन में, तो आंसर हमारे पास या तो ए ऑप्शन होगा या फिर बी ऑप्शन होगा, तो जैसे ही आप 1/3 की मल्टीप्लाई 3/4 में करोगे तो 3 से 3 कटेगा तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 होगा तो B की वैल्यू कितनी होगी 4, तो B की वैल्यू 4 तुम्हें दिखाई दे रही होगी केवल B ऑप्शन में, तो आंसर तो दोस्त B ऑप्शन है, ठीक है। और जब आप C इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1/3 की, तो 3 से 3 कटेगा तो C/5 बचेगा, और C/5 बचेगा तो C की वैल्यू कितनी होगी दोस्त 5, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को भली भांति समझ चुके होंगे, ए भाई समझ चुके हैं या नहीं, अगर कोई डाउट बचता है तो मुझे बता सकते हो आप, है भाई
कोई डाउट बचता है तो कमेंट में लिख सकते हो। हालांकि मैं ये मान के चलता हूं कि जब मैं एक्सप्लेन करता हूं चीजों को, अगर ध्यान से शब्दों को और मेरी पेंसिल की नोक पे अगर बच्चा ध्यान दे रहा है ना, तो झक मार के आंसर उसके पेट में घुस जाएगा, दिमाग में तो जाएगा ही जाएगा। समझ गए बात को, इतने तरीके से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं, और अगली जो वीडियो होगी, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार से खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा रेशो की। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके भाई।